औरंगजेबी अहंकार की दम निचोड़ के निकले हैं, अली बली की खली बली की टांग तोड़कर निकले हैं, गंगा का कट तट देखो अब तो बम 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 बोल रहा, काशी वाले कोतवाल फब्बारा फोड़ के निकले हैं। बहुत बहुत नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, चार पंक्तियाँ और निवेदित करता हूँ जिस कविता के लिए बुलाया दमदार ने, और मेरे जीवन की सबसे बड़ी कविता जिसने अजय को अंजाम बना दिया, गेम ही चेंज कर दिया, आज बड़े कवि के सामने पढ़ने का मौका मिल रहा है, इसलिए उस लोभ को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। छोटा सा हिस्सा दादा पढ़ता हूँ, बहुत छोटा सा हिस्सा, इसको एक बार और तो एक बार तालियां बजाए पढ़ देता हूँ। औरंगजेबी अहंकार की दम निचोड़ कर निकले हैं, अली बली की खली अली की टांग तोड़ कर निकले हैं, अरे गंगा का तट देखो अब तो बम 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 बोल रहा, काशी वाले कोतवाल फब्बारा फोड़ के निकले। नमः पार्वती पते हर। अभिनंदन करता हूं। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध, कैसे अलग था हल्दी घाटी का युद्ध, जो लोग जुड़े हों राणा प्रताप से, हल्दी घाटी से, चेतक घोड़े से, उनसे सीधे सीधे कनेक्ट होता हूँ, समय भूमिकाएं बनाने का नहीं है, आप लोग भी बहुत देर से सुन रहे हो, ये कवि भी बहुत देर से कविता सुना रहे हैं, मैं सीधे सीधे निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध, राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध, हल्दी की घाटी में वीर परपाटी में मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध, दूजे युद्ध अन्य युद्ध घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध, शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूँ, राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द संविधा चढ़ाता हूँ, वीर रजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूँ, तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूँ, चेतक की टापों की गूंज, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूँ। लंबी कविता है, मैं अपना दायित्व भी समझता हूँ और समय की परिस्थिति भी समझता हूँ, कुछ बंद इसमें से हटा के सीधे जो सबसे आग्नेय बंद है सारदा वो आपके समक्ष रखता हूँ, आपको पता लग जाएगा कैसी कविता है और मेरी भावभूमि क्या है। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। बच्चों, बनास एक नदी है जो कुंभलगढ़ में उदयपुर में बहती है, और यही वो नदी है जिसका तेजाबी पानी पीकर राणा प्रताप की शिराओं में वो रक्त खौला कि एक बार नहीं हल्दी घाटी के युद्ध से लेके दिबेर की घाटी तक छह युद्धों में अकबर को पटक के मारा, अकबर के बाप की हिम्मत नहीं पड़ी कि कभी राणा प्रताप के सामने आकर लड़ता, अपने सिपाही सालाना को हमेशा भेजा। इसी दौर में जब भारतवर्ष में कहा गया अकबर द ग्रेट, तो मुझे पीड़ा हुई, मैंने एक कविता लिखी और यह साबित करने की कोशिश की कि रहती दुनिया में शौर्य और पराक्रम के मामले में अगर एक कोई शख्स महान था, एक कोई शख्स ग्रेट था, तो वो हमारा राणा प्रताप ग्रेट था, अकबर ग्रेट नहीं था, महान नहीं था। तब राणा प्रताप की कविता निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो, इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो, तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो, बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनु आई होलो, है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। कौन था राणा प्रताप? जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था, जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खिवैया था, उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था, राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था, ये उदय सिंह राणा का सुत। उदय सिंह जानते हो बच्चों? ये वही उदय सिंह था जिसकी रक्षा के लिए एक धाय ने अपने बेटे चंदन का कलेजा बलवीर की नंगी तलवार के सामने इसलिए रख दिया कि कल को उदय सिंह के माध्यम से कोई राणा प्रताप पैदा हो और अकबर को छठी का दूध याद दिला सके। तब मैं पढ़ता हूँ, ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था, आकाशी विद्युत सा चंचल या चक्रवात तूफानी था, जो जन्म लिया अंजनी कोक से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड बकता था, जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण, एक बार कनेक्ट हो जाओ दोस्त, उसके बाद गारंटी देता हूं पानी पीना भूल जाओगे, बस एक बार कनेक्ट हो जाओ। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था, आकाशी विद्युत सा चंचल या चक्रवात तूफानी था, इश्क में डूबे हुए शायर सुनो, ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था, आकाशी विद्युत सा चंचल या चक्रवात तूफानी था, जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीरवती हनुमंता ने, वैसे ही
सिंह जना था ये। श्री बाई जी जयवंता ने नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे। चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे, ये एक समय की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था। हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य बनाने की कोशिश करता हूँ। बड़े लोगों की चरणों की धूल वर्षों माथे पर रखी है, तब माँ ने जो आशीर्वाद दिया है उसका कोशिश किया कि पंक्ति में किसी तरीके से उतर पाए। निवेदित करता हूँ बड़े लोग सामने बैठे हैं, अगर ठीक सी पंक्तियाँ हुई तो तालियों से बस सिर्फ अपना आशीर्वाद दे देना। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अनियड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे। आज काशी में पढ़ रहा हूँ जहाँ विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी भी होती है, अगर बात हृदय तक पहुंचे तो वो आशीर्वाद भी चाहता हूँ। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे घनघनन घनन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तरवार बजे, मुग्धर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग, तोपों के मुखर से तार बजे, दो धारी बाजी खंड खंड, छुरियां चमचम चमचाप बजे, झनझन झनाक जन चंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप बजे, धनुषों की टोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन। माफ करना दोस्तों, हिंदुस्तान के जिस भी मंच पर पढ़ा इसके साथ आपकी तालियों की ताल गूंजी है, आज मैं चूक गया आपके सामने प्रस्तुत करने में। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, आप कोशिश करना, तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापद बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अनियड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। अब साथ देना, इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे घनघन घन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तरवार बजे, मुग्धर बरछी करवार बजे, बंदूकों की सहनाई, तोपों के मुखर तार बजे, दो धारी बाजी खन खन, छुरियां चमचम चमचाप बजे, झनझन झनाक जनचंद्रहा, दुश्मन की गर्दन नाप बजे, धनुषों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन। सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथें ही अड़ती रहती थीं, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। अरे जिसको भंबोड़ देता चेतक, गर्व करना उस घोड़े पर, जिसको भंबोड़ देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सा फट जाता था, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता, शमशान दिखाई देता था। उस नीले घोड़े का कौतुक, जिस ओर निकल जाए, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। चेतक को लाने की कोशिश करता हूँ हल्दी घाटी से काशी, साथ दे देना बस बच्चों। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक, 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 पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। अभिनंदन करता हूं, कविता में दम हो तो लोगों की संख्या कम नहीं पड़ती, रखी हुई कुर्सियां और उल्टे टंगे हुए पंखे भी तालियां बजाते हैं, और ना माइक खराब होता है ना पीछे वाले श्रोता कवियों के मन इधर उधर होते हैं। अगला बंद जो सबसे ज्यादा तेजस्वी है, निवेदित करता हूं, अगर बेटियों ने कभी झांसी की रानी का स्मरण किया हो, कभी माता काली की कालिका के चरणों में एक पुष्प चढ़ाया हो, कभी शौर्य को भी अपना आदर्श माना हो, आप मूर्ति हैं प्रेम की, आप प्रतिमान हैं मातृत्व का, आपकी छाया में सृष्टि की सर्जना होती है गीता गीत, लेकिन जब इस हिंदुस्तान को जरूरत पड़ती है तो आप में से ही कोई झांसी की रानी बन के निकलती हो, अगर उस ऊर्जा को महसूस कर पाओ तो एक बंद पढ़ता हूं, समर्थन करना बेटों की तरह। भैरों बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी, फिर रक्त बीज बन गए मुगल,
बरछी चामुंडा बन बैठी, बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक, थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक, अंगार बन गया था चेतक। प्रणाम करता हूं बनारस आपको, अंगार बन गया था चेतक। समर्थन अब करना मुगलों की अभिमानी घुड़की, पल में पुकार हो जाती थी, पंक्ति महसूस हो जाए तो सात तालियां देना। और मैं इसको एक एक तत्व को सत्यापित करूंगा। एक एक दुर्धर्ष नायक था अकबर की सेना में, जिसका नाम था सुल्तान खां। हिंदुत्व के बच्चों को, सनातन के दो दो तीन तीन माह के बच्चों को गुरुदेव देखता था तो दोनों हाथों में दबाकर खोपड़ी चकनाचूर कर देता था, इतना नराधम था। अकबर को यह घमंड था कि इसको तो कोई हरा ही नहीं सकता। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा के सामने पड़ गया, 5 मिनट तक राणा खेले जैसे बिल्ली खेलती है चूहे के साथ, 6वें मिनट में छलांग लगाई। इतिहास के पन्ने पलट लेना, राजस्थान के गौरव के, 6वें मिनट में छलांग लगाई तलवार से, घोड़े से तलवार का एक प्रहार किया, सुल्तान खां के सिर का कवच यानी शस्त्राण कटा, सिर कटा, चेहरा कटा, धड़ कटा और घोड़ा भी 2 टुकड़ों में कट के धरती में गिरा पड़ा था। ऐसे राणा प्रताप की कविता सुना रहा हूं। तब आपको तक्षक, तक्षक भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी, फिर रक्त बीज बन गए मुगल, परछी चामुंडा बन बैठी, बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक, थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। पंक्ति संभालना, ए जी मुगलों की अभिमानी घुड़की, पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे। बोलना है तो एक साथ बोलो, दोनों हाथ उठा के मुट्ठियां बांध के बोलो, भारत माता की। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक, लोहू की नदियां बहती थी, नदिया की कलकल में चेतक, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में, अरे राणा पर होता वार अगर। इस बार पंक्ति आधी आप बोल देना, बस हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कोई बड़ा बड़ा कवि नहीं हूँ, आज जम गया तो जम गया, आप लोगों कम लोग थे इसलिए जम भी गया, भीड़ होती तो जमता भी नहीं। मैं निवेदन करता हूँ एक पंक्ति लौटा देना आधी बस, राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुका ही देता था। उत्कर्ष वापिस करना पंक्ति, गीता, राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुका ही देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहाँ डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था, मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया चेतक ने, मेवाड़ विजय के रास्ते में। अकबर ये अहंकार लेकर के निकला था कि पूरे हिंदुस्तान पर हरा झंडा फहरा दिया, मेवाड़ पर फहराने में कितनी देर लगेगी, गर्व करना उस केसरिया पानी पर। हल्दी घाटी के युद्ध में सामने खड़ा हुआ तो दिवेर की घाटी तक 17 साल लड़ाइयां हुई, 6 लड़ाइयां, लेकिन मेवाड़ का वो तिकोना हिस्सा, उस पर कभी हरा झंडा नहीं फहराया गया, उस पर सदैव भगवा झंडा फहराता रहा। आइए उस मेवाड़ को नमन करते हैं। मेवाड़ विजय के रास्ते में, अगर जादुई पंक्ति हो तो हॉल में के लेंटर में दरार पड़नी चाहिए आपकी तालियों से। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की थी, बाघ मुक्ति नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था, राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था, बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था, जिसके सीने पर चेतक की तगड़ी टापे पड़ जाती थी, उसकी छाती में भाले सी दोनों टांगे गड़ जाती थी था। तभी अचानक मानसिंह हाथी असवार नजर आया, राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया, राणा कोई कौतुक करते इससे पहले वह घूम गया, अगली टांगों का प्रबल वार हाथी का मस्तक चूम गया, आघात
पुरुषों का भारी था। सहकर हाथी लड़खड़ा उठा, इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा, गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं, तू भूल गया रणकौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में, बोल भारत माता की, मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में, राणा राणा का। दोस्तों मन में कभी भी अगर कोई भावना उठे तो मन को कमजोर मत करना, मुझे माला धरने का कोई शौक नहीं हिंदुस्तान में, तो माला धरना है, लेकिन मन है तो मंच पर आओ, जो आदमी ढके रहे तो मुझे नहीं ये मंदावा और क्या, मतलब दो आदमी ठकेल रहा है, यहाँ हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा है, आदमी तलवार लेके लड़ रहा है, ये माला लेके नहीं आ पा रहा है, बताओ हद हो गई है। एक बात खड़े होके, एक बात और क्या, तुम बोलो, एक बात खड़े होके अपने स्थान के लिए, बात बोल रहा है, धन्यवाद, क्या समापन कर दिया यार, कर दिया ना, बहुत अभिनंदन करता हूँ शारदा, बहुत अभिनंदन करता हूँ, बड़े लोग बैठे हुए हैं, अंतिम पंक्ति निवेदित करता हूँ, सुनना, तू भूल गया रणकौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में, गौर से सुनना, मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुल्लों में, राणा राणा का शोर उठा, घनघोर समर के अंधकार में जैसे कोई भोर उठा, आगे करुणा का सागर है, इस करुणा में थोड़ा रो लो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। कविता का अंतिम बंद निवेदित करता हूँ, आप भी बहुत देर से बैठे हो, हमें भी लंबी यात्रा करना है, कल लपेटे में नेताजी की शूटिंग है, दिल्ली भी जाना है रात ही रात, आपने देखा होगा कई शो में, अंतिम बंद निवेदित करता हूँ, चेतक की कुर्बानी उसका बलिदान, राणा के प्रबल प्रहारों का बेटा, बस ये वाला बंद थोड़ा संवेदना के साथ सुन लेना, बस कविता यही है सिर्फ, इसके अलावा कोई कविता ही नहीं है। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था, संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था, हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था, घिर गया श्रगालों में नाहर राणा को संकट बूझ गया, पर एक लिंग का हटीपूत दोधारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे, झाला मन्ना, झाला मानसिंह, इतने में झाला आ पहुंचे, बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूं। तब एक लिंग का नाम लिया, राजस्थान के सबसे बड़े देवता, तब एक लिंग का नाम लिया, दे घोर शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर होकर लथपथ झाला बोले, मेरे नौजवान दोस्तों बेटियों और मेरे बच्चों, मुझ पर कोई आरोप लगाए कि और ओझ के कवि चिल्ला के कविता पढ़ते हैं, क्रोध की कविता पढ़ते हैं, रौद्र की आक्रोश की कविता पढ़ते हैं, आज बाबा विश्वनाथ की इस धरती पर सौगंध खा के कहता हूँ कि मेरी रचना न क्रोध की है, न आक्रोश की है, न रौद्र की है, मेरी कविता इस संसार की सबसे बड़ी लव स्टोरी है, जिसमें एक चाहने वाले ने अपने दूसरे चाहने वाले के लिए जान तक दे दी, इससे बड़ी लव स्टोरी और क्या होगी, प्रेम कहानी और क्या होगी, तब पढ़। इतने में झाला आ पहुँचे, बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूं। तब एक लिंग का नाम लिया, दे घोर शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर होकर लथपथ झाला बोले, इनको मैं धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को, झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया, चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया अपनी पूरी ताकत समेत चेतक फल्लांग लगा बैठा, राणा की रक्षा करने को अंतिम छल्लांग लगा बैठा। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया, करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया,
फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो, चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक 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 मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं, माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूं। चेतक मेरे बेटे भैया, हलाल वीर चीत्कार उठा, चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा, चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा, चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा। चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूँ, माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूँ, बस एक प्रार्थना है स्वामी, दुश्मन का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। चेतक मेरे बेटे भैया, हलाल वीर चीत्कार उठा, चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा, चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा, चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। अंतिम पंक्ति विदा करना, आपने कभी अगर राणा प्रताप की मूर्ति देखी हो किसी चौराहे पर बनारस में किसी पार्क में, और उस मूर्ति पर एक रिसर्च करके मैंने एक पंक्ति सही लिख दी हो, तो भरपूर तालियों के साथ मुझे खड़े होकर विदा कर देना, इससे बड़ा समापन इस कार्यक्रम का नहीं होगा। और एक शपथ मेरी भी है, जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी, चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं होगी। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की, आवाज कमजोर है आपकी, भारत माता की। मोबाइल पर किसी भी हसीना का मैसेज आ रहा हो, माँ से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं हो सकता, हाथ तेरे भी उठने चाहिए दोस्त, बोलो भारत माता की। मुझसे भी बड़ा गब्बर है, बहुत आवाज।